गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SSSAG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो। इससे पहले अपने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग पढ़ा था। अब अपने स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इसमें फर्स्ट है टोमेटो। टोमेटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2N=24 होते हैं और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो इसका फ्रूट्स होता है मल्टी सीडेड बेरी। उसके बाद में इसकी ग्रोथ हैबिट की बात करें, जो टमाटर का प्लांट होता है इसकी ग्रोथ हैबिट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है डिटर्मिनेट और सेकंड होता है इनडिटर्मिनेट। जो डिटर्मिनेट प्लांट होता है इसकी हाइट कम होती है, ये साइड में ज़्यादा फैलता है और इसकी एवरी इंटरनोड जो पौधे की हर गांठ के ऊपर इसमें फ्लावर आते हैं और प्लांट का जो मेन एक्सिस होता है पौधे का जो तना सीधा बढ़ता है, तो इसका जो ऊपर वाला अक्ष होता है एक्सिस उसमें फूलों का एक गुच्छा बन जाता है जिससे ये स्टेम फिर सीधा आगे ऊपर को नहीं बढ़ता, जिससे इसमें फिर साइड में ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। तो जितनी भी इसके ऊपर गांठें बनती हैं प्रत्येक नोड के ऊपर इसमें फ्लावर आते हैं और नेक्स्ट इसमें फ्लावर आते हैं। उसके बाद में इसकी ग्रोथ सीधी नहीं बढ़ती और ये अपने जो नॉर्थ इंडिया प्लेन का एरिया, जो उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र, उसमें उगाया जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो टमाटर के लिए ग्रोविंग जो इन्वायरमेंट होता है या वेदर होता है वो थोड़े टाइम के लिए सूटेबल होता है, इसलिए उसमें कम लेंथ वाली वैरायटी जो है वो डिटर्मिनेट में ही आती है। इसका सीजन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में अपने डिटर्मिनेट प्लांट्स उगाते हैं, जो अपना एरिया है नॉर्थ इंडिया में आते हैं अपने, तो इसमें डिटर्मिनेट प्लांट्स उगाते हैं। इसके बाद में इनडिटर्मिनेट प्लांट या इनडिटर्मिनेट टोमेटो प्लांट, इसका जो पौधा होता है वो बिल्कुल सीधा ही बढ़ता जाता है ऊपर को। इसमें जो फ्लावर आते हैं वो प्रत्येक तीसरी इंटरनोड पर आते हैं, जैसे फर्स्ट इंटरनोड, सेकंड इंटरनोड और यहाँ पर इसमें फ्लावर आएंगे। इसके बाद में फिर 2 इंटरनोड के ऊपर कोई फ्लावर नहीं आएगा, जो तीसरी इंटरनोड बनेगी उसके ऊपर फिर फ्लावर आएंगे। तो इसमें एवरी 3 जो इंटरनोड होती है उसके ऊपर ही फूल आते हैं, जबकि डिटर्मिनेट जो प्लांट होता है उसमें हर गांठ के ऊपर या एवरी इंटरनोड के ऊपर फ्लावर आते हैं। इसके अलावा जो इनडिटर्मिनेट प्लांट है इसको अपने साउथ इंडिया में या फिर ग्रीन हाउस में उगाते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रोविंग पीरियड होता है, जो इसका फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, जिसमें ये अपनी ग्रोथ करता ही रहता है। और इसको वृद्धि के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे इसका तना इसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं रख पाता, इसलिए इसको सहारे की या स्टॉकिंग की ज़रूरत होती है। तो इसे मोस्टली ग्रीन हाउस में उगाया जाता है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होती है, साइड में कम फैलता है, तो इसको ग्रीन हाउस में अपने उगाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्लाइमेट। नेक्स्ट है क्लाइमेट। टमाटर एक वार्म सीजन क्रॉप है, इसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो मोस्टली गर्मी में ही होता है, तो ये एक वार्म सीजन क्रॉप है।
इसमें जो टेम्परेचर का बहुत अच्छा रोल है इसमें, अगर टेम्परेचर सुटेबल नहीं है तो इसका प्रोडक्शन अपने नहीं ले सकते। तो जो इसका टेम्परेचर है डे टेम्परेचर वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और नाइट टेम्परेचर जो है अठारह डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर नाइट का टेम्परेचर इससे कम हो जाता है या डे का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती और फ्रूट सेट भी कम होता है। अगर अपनी आगे बात करें, अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इसमें जो रेड कलर आता है टमाटर में रेड कलर लाइकोपिन के कारण आता है। अगर 10 डिग्री से कम या 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसमें लाल रंग नहीं आता, मींस इसमें लाइकोपिन की मात्रा बहुत कम बनती है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो जो लाइकोपिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फ्रूट कभी भी रेड कलर का नहीं होता और इसमें सन स्कॉल्ड भी हो जाता है जिससे फल ख़राब हो जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहते और उसमें कलर भी अच्छा नहीं आता है। तो टेम्परेचर इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सोयल की। तो इसके लिए रिच इन ऑर्गेनिक मैटर वेल ड्रेन सोयल होनी चाहिए। इसके लिए वेल ड्रेन्ड अच्छे कार्बनिक पदार्थ वाली लोमी सोयल सबसे अच्छी रहती है जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में अपने सबसे पहले बात करेंगे FYM लगभग 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, 250 क्विंटल पर हेक्टेयर अपनी FYM डालती हैं और जितनी भी वेजिटेबल अपने उगाती हैं मोस्टली उसमें अपने 250 क्विंटल के आसपास ही अपने FYM डालनी है। बस एक ही याद कर लो, ये 250 क्विंटल। इसके बाद में अपने बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसमें अपने फर्टिलाइज़र डालती हैं 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एंड 50 kg P2O5। तो जितने भी मोस्टली अपने देसी वैरायटी उगाते हैं उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा इतनी रखते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 2 से 3 पार्ट में देते हैं और बाकी जो फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा है ये फील्ड प्रिपरेशन के टाइम ही फील्ड में मिक्स कर देते हैं और उसके बाद में अपने इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपने इम्प्रूव्ड वैरायटीज।
इम्प्रूव्ड वराइटीज़। तो कौन कौन सी वराइटीज़ है इसमें? रोमा, सियोक्स, पंजाब छुहारा, सोलन गोला, हिसार ललित, पंत बहार, इसके अलावा हिसार अनमोल, पूसा शीतल, यह इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपने, तो टाइम ऑफ सोविंग, टमाटर को जुलाई अगस्त के महीने में इसकी सोविंग की जाती है। जुलाई अगस्त के महीने में इसमें अपनी नर्सरी उगाती हैं। तो नर्सरी के लिए एक हेक्टर में अगर आपने नर्सरी उगानी है तो उसके लिए आपको 250 मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। नर्सरी मैनेजमेंट, अगर आपने एक हेक्टर के लिए प्लांट्स लगानी है तो आपको 250 मीटर स्क्वायर एरिया में नर्सरी उगानी पड़ेगी। और जो आपका 250 मीटर स्क्वायर एरिया है इसको अपने 3x1 मीटर स्क्वायर के बेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। और जो आपने बेड्स बनाई हैं इसको 15 सेंटीमीटर रेज्ड मींस ऊंचे उठे हुए बेड बनाते हैं अपने, जिससे जो बारिश वगैरह का पानी होता है वो इसमें नहीं रुकता और इसमें डैम्पिंग ऑफ वगैरह डिजीज नहीं आती है। तो नेक्स्ट बेड बनाने के बाद में आप इसमें लगभग 15 से 20 किलोग्राम FYM पर बेड मिक्स कर देते हैं। मींस जो आपने बेड्स बनाए हैं उसमें 15 किलोग्राम FYM पर बेड डालकर उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद में सीड को लाइनों में सोविंग करते हैं लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के अंतर पर। जो आपने बेड बना लिया उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें लगाकर उसमें सीड की सोविंग की जाती है। जो सीड की सोविंग करते हैं वो उसकी जो गहराई है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गहरा डाले अपने बो देंगे तो इसका जर्मिनेशन नहीं होता। सोविंग करने के बाद में इसमें अपने मल्चिंग कर देते हैं, बेड के ऊपर कोई घास फूस बिछा देते हैं और इसमें वाटरिंग या इरिगेशन कर देते हैं। तो लगातार इरिगेशन करते रहने के बाद में इसमें जर्मिनेशन होने लग जाता है। जब प्लांट्स का जर्मिनेशन होने लग जाता है तो अपने जो मल्चिंग की होती है उसको हटा देते हैं, जिससे उसको सनलाइट मिलती है और प्लांट्स ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो सोविंग के टाइम में एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जो सीड आपने लेना है उसको थीरम या कैप्टन से उपचारित करके उसको सोविंग करनी है। मीन्स आपने सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर आपके पास 1 kg सीड है तो इसके लिए 2-3 ग्राम फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपने थीरम या कैप्टन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा अपने 6 ग्राम पर kg सीड के लिए यूज़ करते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सीड रेट की। सीड रेट में जो देसी वैरायटीज है उसका आपने रखते हैं 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और जो हाइब्रिड्स हैं उसका रखते हैं अपने 150 ग्राम से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद में अपनी बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग में अपने इसको आपने आप पहले पढ़ा था डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिंग रखते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं डिटर्मिनेट। प्योर लाइन इसमें अपने रखते हैं 60x30 cm। नेक्स्ट है डिटर्मिनेट, हाइब्रिड्स इसमें रखते हैं अपने 75x30 cm। नेक्स्ट टाइप में इनडिटर्मिनेट, प्योर लाइन इसमें स्पेसिंग 75x30 cm ही रखते हैं। फिर है इनडिटर्मिनेट, हाइब्रिड्स x30 cm। ये होगी इसकी स्पेसिंग। जो अपने डिटर्मिनेट की स्पेसिंग होती है वो कम रखते हैं, जो इनडिटर्मिनेट की होती है वो ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन तो आपने ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद ही कर देनी है, और नेक्स्ट जो अपने इरिगेशन है, जो नेक्स्ट इरिगेशन है वो 8 से 10 दिन के इंटरवल पर करते हैं। फर्स्ट इरिगेशन जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, और उसके बाद में 8 to 10 days इंटरवल के अकॉर्डिंग अपने आवश्यकता अनुसार अपने इरिगेशन करते रहते हैं। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।